हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में टॉप 20 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2024 के डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम अनुरा कुमारा है। अनुरा कुमारा की अगर हम बात करें तो ये 10वें प्रेसिडेंट बने हैं। 23 सितंबर 2024 को इन्होंने हलफ लिया है और इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को जो है वो रिप्लेस किया है और ये 10वें प्रेसिडेंट बन गए हैं 23 सितंबर 2024 को। विच हमास चीफ वाज किल्ड इन ईरान इन 2024। सो हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को जो है वो शहीद किया गया है ईरान में 31 जुलाई 2024 को। और ये जो है ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने उनकी जो तकरीब हलफ बरदारी थी उनके लिए ये आए हुए थे फलस्तीन से और इन्हें जो है वो शहीद किया गया है। और ये हमास ग्रुप जो है ये फलस्तीन की एक ग्रुप है, इसके ये सरबराह थे इस्माइल हानिया। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे ये हेलीकॉप्टर क्रैश में रिसेंटली जो है वो शहीद हो गए हैं और इनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे और टोटल 9 लोगों की शहादतें हुई हैं इसमें। और ये बताया जा रहा है कि ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश का सानिया पेश आया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर 900 गोल्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये फर्स्ट फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपनी करियर में 900 गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ साथ ये प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं। विच हैज बिकम फर्स्ट पर्सन टू रीच 1 बिलियन फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। सो इसका भी करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिनके 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ सोशल मीडिया फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। विच एडिशन ऑफ जनरल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बीइंग हेल्ड इन सितंबर 2024 में यूनाइटेड नेशन की 79th सेशन हो रही है और ये 24 सितंबर से लेकर जो है ये इसका जो डिबेट है या जो इनका जो जो खिताब हो रहा है वो 24 सितंबर से शुरू होगा, 30 तक जारी रहेगा, 30 सितंबर तक। मेन सिंगल्स टेनिस टाइटल 2024 का जो यूएस ओपन है ये जेनिक सेनर ने विन किया है और ये इटालियन मैन है और जिन्होंने ये विन किया है। ये जो है ये टेनिस का जो है वो टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन। प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं फ्रांस के इनका नाम माइकल बर्नर है और ये सितंबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इन्होंने जेब्रेल एतेल को रिप्लेस किया है और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो एमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर माइकल बर्नर हैं। हु हैज बिकम ईरान्स फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। सो इसका करेक्ट आंसर फातिमा मुहाजरानी है। फातिमा मुहाजरानी जो है ये ईरान की पहली खातून गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बन गई है। हु हैज बिकम द फर्स्ट लॉर्ड चांसलर टू स्वेयर ऑन द होली कुरान इन द पार्लियामेंट ऑफ यूके। यूके यानी कि बरतानिया की पार्लियामेंट में कुरान मजीद पर हलफ लेने वाली फर्स्ट लॉर्ड चांसलर शबाना महमूद बन गई है और ये जो है लेबर पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के बरतानिया के, इनका नाम केयर स्टर्मर है, 58 प्राइम मिनिस्टर हैं और इनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है इस वक्त बरतानिया में और इन्होंने ऋषि सुनाक को रिप्लेस किया है। करंट जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के ये मसूद पेजेशकियान हैं और इन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी किया है और इन्होंने इब्राहिम रईसी को रिप्लेस किया है जो कि मई 2024 में हेलीकॉप्टर हादसे में जो है वो शहीद हो गए थे। विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में सबसे ज्यादा मेडल्स यूएसए ने विन किए हैं। यूएसए ने 40 गोल्ड मेडल्स, 44 सिल्वर मेडल्स, 42 ब्रॉन्ज मेडल्स विन किए और टोटल यूएस ने 126 मेडल्स विन किए हैं। सेकंड नंबर पर चाइना ने मेडल्स विन किए हैं। समर ओलंपिक्स गेम्स 2024 जो है ये 33rd एडिशन है। तो 2020 में जो वो हुआ था वो 32nd एडिशन था। 33rd एडिशन 2024 में पेरिस फ्रांस में मुनक्किद हो चुका है। 34th एडिशन 2028 यूएसए में मुनक्किद किया जाएगा। 35th एडिशन 2032 में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद किया जाएगा।
यूरोपियन पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट बनी है इनका नाम जो है वो है रोबर्टा मेटसोला और ये सेकंड टर्म के लिए बनी है और ये माल्टा से ताल्लुक रखती है। प्रेसिडेंट जो है एफएटीएफ की इनका नाम एलिसा मेड्रोजा है और ये मेक्सिको से ताल्लुक रखती हैं। टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। विच कंट्रीज पीएम शेख हसीना रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट आफ्टर द एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट टर्न्ड वायलेंस। इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जो है वो रिजाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि वहाँ एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरों में बदल गया था जिसकी वजह से इन्हें रेजिग्नेशन देनी पड़ी। अगस्त की ये बात है। क्लाडियो शेबनेम ये जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं मेक्सिको की। मेक्सिको इसका करेक्ट आंसर है। और करंट जो प्रेसिडेंट है रशिया के इनका नाम व्लादिमीर पुटिन है और ये 2012 से लेकर अब तक प्रेसिडेंट है रशिया के एंड पांचवी मरतबा 2024 में ये प्रेसिडेंट बने हैं। मुसलसल पांचवी मरतबा इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमास ग्रुप हैज लॉन्च ऑपरेशन अल अक्सा अगेंस्ट इसराइल। इसराइल के खिलाफ हमास ग्रुप ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन अल अक्सा का नाम दिया गया है। और इसके साथ साथ ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है इसका 2024 में जो चेयरमैनशिप है ये रशिया के पास है, 2021 में इंडिया के पास था, 2022 में चाइना के पास है, 2023 में साउथ अफ्रीका के पास, 2024 में जो है ब्रिक्स ग्रुपिंग की जो चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास है। और ब्रिक्स ग्रुपिंग में 2024 में 5 नए कंट्रीज जो है वो शामिल हो गए हैं। 6 कंट्रीज को जो है वो इनवाइट किया गया था, सऊदी अरबिया, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड यूएई, लेकिन अर्जेंटीना ने जो है वो इनकार कर दिया था इसको ज्वाइन करने के लिए। 5 नए जो है मेंबर इसके बन गए हैं, यानी कि अर्जेंटीना के अलावा सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और यूएई ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स ग्रुपिंग के मेंबर बन गए हैं। और इसके साथ साथ ब्रिक्स की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ग्रुपिंग है, ये जून 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। करंटली इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल हैं। और इसके 10 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में चाइना में है, ब्रिक्स का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। सिप्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ये रशिया के पास है, 5580 न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं और सबसे ज्यादा रशिया के पास है, सेकेंड नंबर पर यूएस के पास है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और 15th जो G7 समिट हुआ है, ग्रुप ऑफ 7 का जो समिट हुआ है जून 2024 में, ये इटली में मुनक्किद किया गया है। इटली इसका करेक्ट आंसर है। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं थर्ड टर्म के लिए इनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये तीसरी मर्तबा बने हैं, 2014 में ये फर्स्ट टाइम बने थे और ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ईरान ने रिसेंटली जो है इसराइल के खिलाफ कौन सी ऑपरेशन का आगाज किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का इसका नाम दिया गया है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ये ऑपरेशन का आगाज किया है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।